हाय गाइज, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल PS कोचिंग सेंटर में। गाइज, आज हम लोग एडवांस इंग्लिश ग्रामर में एज इफ तथा एज दाउ का प्रयोग पढ़ेंगे, एज इफ और एज दाउ का प्रयोग पढ़ेंगे, जो कि काफ़ी इंटरेस्टेड है। आप इसके प्रयोग को अच्छा से देख लीजिए, आपको अंग्रेजी बोलने में ये बहुत ही ज़्यादा मदद करेगा। तो एज इफ के बाद आप किस वर्ब का उपयोग करेंगे? वाज, वेयर, Could, would, did, had to, would have, सभी के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। यानी आपका as if या as thou से संबंधित जितने भी डाउट हैं, टोटल डाउट इस वीडियो के बाद क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। जैसे सी डांसेस as if, सी इसके बाद आप किसका उपयोग कीजिएगा उसके बारे में हम लोग बढ़िया से समझेंगे। चलिए, तो हम लोग ज्यादा समय बर्बाद नहीं करते हैं, शुरू करते हैं आज का यह क्लास। गाइस, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। एज इफ के बाद आपको वाज या वेयर का प्रयोग करना है। वेयर को वेयर न पढ़कर वर्ड पढ़ा जाता है, ठीक है। वाज या वर्ड का प्रयोग करेंगे, एज इफ के बाद वाज या वर्ड का प्रयोग करेंगे। एक चीज आपको मैं बता दूं, यहां जो वाज है, ठीक है, वाज एज इफ के बाद या एज आउ के बाद वाज का भी प्रयोग होता है और वेयर का भी प्रयोग होता है। तो यदि आप वाज का प्रयोग करते हैं तो उसको अमेरिकन इंग्लिश माना जाता है। यानी अमेरिकन इंग्लिश में एज इफ के बाद वाज का प्रयोग होता है और ब्रिटिश इंग्लिश में एज इफ या एज आउ के बाद वर्ड का प्रयोग होता है। और आप जानते हैं कि इंडिया में अमेरिकन इंग्लिश को मान्यता नहीं दी गई है, ब्रिटिश इंग्लिश को ही मान्यता प्राप्त है। अतः तो आप ब्रिटिश इंग्लिश के अनुसार एज इफ के बाद वेयर का प्रयोग यानी वर्ड का प्रयोग करेंगे, वाज का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे देखिए एग्जांपल जान लेते हैं। और यहां एक और चीज मैं आपको बता दूं, एज इफ का मतलब होता है मानो कि, ठीक है, मानो कि, ठीक है, या जैसे कि, जैसा कि, ठीक है, याद रहेगा। एज इफ का मतलब क्या हो गया? मानो कि या जैसा कि। चलिए हम लोग वाक्य में प्रयोग करके देखते हैं। ये देखिए, सी डांसेज एज इफ सी वाज एन एक्ट्रेस। तो यहां वाज आप नहीं लगाएंगे, वर्ड लगाएंगे। मैंने बताया कि वर्ड क्या है, ब्रिटिश इंग्लिश है और ब्रिटिश इंग्लिश को ही मान्यता दी गई है इंडिया में, ठीक है। तो यहां वर्ड लगेगा, सी डांसेज एज इफ सी वर्ड एन एक्ट्रेस। वह इस प्रकार नाचती है मानो कि एक एक्ट्रेस हो। सी डांसेज एज इफ सी वर्ड एन एक्ट्रेस, वही इस प्रकार नाचती है मानो कि एक एक्ट्रेस हो। दूसरा देखिए एग्जाम्पल, ही लुक्स एज दाउ ही वर्ड ए हीरो। ही लुक्स एज दाउ ही वर्ड अ हीरो। वह इस प्रकार दिखता है मानो कि वह एक हीरो हो। तो यह एज दाउ या एज का अर्थ होता है मानो कि या जैसा कि, ठीक है। अगला है, ही बिहेव एज इफ ही वर्ड एन एम पी। वह इस प्रकार व्यवहार करता है मानो कि एक एमपी हो, मानो कि एक एमपी हो। अगला है, यू ऑर्डर्ड मी एज इफ यू आर माय बॉस। तुमने मुझे इस प्रकार आदेश दिया मानो कि तुम मेरे बॉस हो। यू ऑर्डर्ड मी एज इफ यू आर माय बॉस। तुमने मुझे इस प्रकार आदेश दिया मानो कि तुम मेरे बॉस हो। ऐसा यह बहुत सारे सेंटेंस खुद से बनाइए। अगला है, सी स्पीक्स एज इफ शी वर अ लीडर। वह इस प्रकार बोलती है मानो कि एक नेता हो। सी स्पीक्स एज इफ शी वर अ लीडर। वह इस प्रकार बोलती है कि मानो कि एक नेता हो। ऐसे आप बना सकते हैं, जैसे कह सकते हैं, राम स्पीक्स एज इफ राम वर अ टीचर। राम इस प्रकार बोलता है मानो कि वह एक शिक्षक हो। तो ऐसा बहुत सारा आप सेंटेंस बनाएंगे और प्रैक्टिक्स करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं एज इफ के साथ हैड टू का प्रयोग, आप एज इफ के साथ हैड टू कैसे लगाएंगे, ठीक है। तो आपको मैंने हैड टू एक बार और पढ़ाया है। हैड टू का प्रयोग कब करेंगे? जब आपको कोई कार्य करना हो, ना हो, वाक्य में क्या आता हो और ना हो। जैसे मुझे पढ़ना था तो आई हैड टू रीड, मुझे जाना था तो आई हैड टू गो, ठीक है। तो उसमें हैड टू लगाते हैं, ना आएगा, ना हो, तब जाके हैड टू का प्रयोग हम करेंगे, कोई काम करना था तो, ठीक है। तो देखिए एग्जाम्पल के साथ तो समझते हैं, एज इफ का अर्थ वही होगा मानो कि या जैसा कि, ठीक है। तो देखिए एक एग्जाम्पल देखते हैं, सी वॉज रनिंग।
वह इस प्रकार दौड़ रही थी एज इफ मानो कि सी हैड टू कैच द ट्रेन, वह इस प्रकार दौड़ रही थी मानो कि उसको ट्रेन पकड़ना हो। हैड टू होगा तो क्या होगा, पकड़ना हो, ना होगा। सी वॉज रनिंग एज इफ शी हैड टू कैच द ट्रेन, वह इस प्रकार दौड़ रही थी मानो कि उसे ट्रेन पकड़ना हो। अगला है ही रैन अवे, वह इस प्रकार भागा एज इफ मानो कि he had to escape from the police, वह इस प्रकार भागा मानो कि उसे पुलिस से बच निकलना हो। escape मतलब क्या होता है, बच निकलना। he ran away, वह इस प्रकार भागा as if मानो कि he had to escape from the police, उसे पुलिस से बच निकलना हो। अगला है he got up so early, वह इतना जल्दी उठ गया as if he had to leave for Nepal, वह इतना जल्दी उठ गया मानो कि उसे नेपाल जाना हो। He got up so early as if he had to leave for Nepal, वो इतना सुबह उठ गया मानो कि उसको नेपाल जाना हो। अगला है he was sticking as if he had to quarrel with me, वो इस प्रकार बोल रहा था मानो कि उसे मुझसे झगड़ा करना हो। Again he was sticking as if he had to quarrel with me, वो इस प्रकार बोल रहा था मानो कि उसे मुझसे झगड़ा करना था। अगला है यू आर लुकिंग हर, यू आर लुकिंग एट हर, तुम उसको इस प्रकार देख रहे थे। यू आर लुकिंग एट हर एज इफ यू हैड टू मैरी हर, तुम उसको इस प्रकार देख रहे थे मानो कि तुमको उससे शादी करनी हो। यू आर लुकिंग एट हर एज इफ यू हैड टू मैरी हर, तुम उसको इस प्रकार देख रहे थे मानो कि उससे तुम्हें शादी करनी हो। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारा आप बना सकते हैं और बनाइए तथा प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि एडवांस इंग्लिश थोड़ा सा टफ होता है, आपको प्रैक्टिस करना होगा तभी जाकर के क्लियर होगा डाउट। अगला देखते हैं एज के साथ वुड का प्रयोग आप कैसे करेंगे, काफी इंटरेस्टेड है। एज के बाद वुड का प्रयोग, जब वाक्य में गा के आता हो तो इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल से समझेंगे ही स्कोल्डेड मी एज इफ ही वुड किल मी, वह मुझे इस प्रकार डांटा मानो कि वह मेरा जान ले लेगा। लास्ट में गा रहा है ही स्कोल्डेड मी एज इफ ही वुड किल मी, वह इस प्रकार मुझे डांटा मानो कि वह मेरा जान ले लेगा। अगला है सी वॉज टेकिंग सी वॉज टॉकिंग टू मी एज इफ सी वुड बी माई फ्रेंड, अगेन She was talking to me as if she would be my friend. वह मुझसे इस प्रकार बात कर रही थी मानो कि वह मेरा मित्र बन जाएगी। She was talking to me as if she would be my friend. वह मुझसे इस प्रकार बात कर रही थी मानो कि वह मेरा मित्र बन जाएगी। अगला है He took out a sword. वह इस प्रकार तलवार निकाला। He took out the sword as if he would behead me, he would behead me, वह इस प्रकार तलवार निकाला मानो कि वह मेरा सर अलग कर देगा, मानो कि वह मेरा सर अलग कर देगा। He took out a sword as if he would behead me, वह इस प्रकार तलवार निकाला मानो कि वह मेरा सर धड़ से अलग कर देगा। तो ऐसा बहुत सारा बनाएंगे। She was smiling at me, she was smiling at me as if she would invite me to tea, she was smiling at me as if she would invite me at me, वह मुझ पर इस प्रकार हंस रही थी मानो कि वह मुझे चाय पर बुलाएगी, वह मुझ पर इस प्रकार हंस रही थी मानो कि वह मुझे चाय पर बुलाएगी। ऐसा बहुत सारा प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, वह इस प्रकार बोल रही थी मानो कि मुझसे बात करेगी। ठीक है, she was talking to me as if she would talk to me, ऐसे बहुत सारे सेंटेंस आप बनाएंगे और प्रैक्टिस करेंगे। ओके, नेक्स्ट है as if के साथ could का प्रयोग। ठीक है, यह पास्ट में यदि कोई काम आप कर सकते थे, पावर आप में था लेकिन कर ना सके, तब as if के साथ could का प्रयोग किया जाता है। फिर से मैं बता दूं, मैंने बताया कि पास्ट में कोई काम आप कर सकते थे लेकिन आप कर ना सके, ठीक है, आपके अंदर क्षमता थी लेकिन नहीं किए, तो इस कूट का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, ही वॉज सो इंटेलिजेंट एज इफ ही कूड पास द एग्जामिनेशन, ही वॉज सो इंटेलिजेंट एज इफ ही कूड पास द एग्जामिनेशन, वह इतना तेज था मानो कि वह परीक्षा पास कर सकता था।
ठीक है, ही वॉज सो इंटेलिजेंट एज इफ ही कुड पास द एग्जामिनेशन, वो इतना तेज था मानव की परीक्षा पास कर सकता था लेकिन पास नहीं कर सका किसी कारण से, ठीक है रीजन। अगला दिया है ही रैन सो फास्ट एज इफ ही कुड कैच द ट्रेन, वो इतना तेज दौड़ा मानो कि वह ट्रेन पकड़ सकता था लेकिन पकड़ नहीं सका। ही रैन सो फास्ट एज इफ ही कुड कैच द ट्रेन, वो इतना तेज दौड़ा मानो कि ट्रेन पकड़ सकता था। अगला है सी वॉज सो वीक एज इफ सी कुड नॉट रन फास्ट, वह इतनी कमजोर थी मानो कि वह तेज नहीं दौड़ सकती थी, वह तेज नहीं दौड़ सकती थी। और देखिए सी वॉज सो पुअर एज इफ सी कुड नॉट हेल्प अस, अगेन सी वॉज सो प्योर एज इफ सी कुड नॉट हेल्प अस, वह इतनी गरीब थी मानो कि वह मेरी मदद नहीं कर सकती थी, सी कुड नॉट हेल्प अस, वह हमारी मदद नहीं कर सकती थी, ठीक है। दे वर सो रिच एज इफ दे कुड बाई एवरी थिंग, देवर सो रिच एज इफ दे कुड बाई एवरी थिंग, वह इतना अमीर था मानो कि वह सब कुछ खरीद सकता था, वह इतना अमीर था मानो कि सब कुछ खरीद सकता था, यानी ऐसा कर सकता था लेकिन उसके अंदर क्षमता थी लेकिन कर ना पाया, ठीक है। अगला देखते हैं, काफी इंटरेस्टेड है, एज इफ के साथ मेन वर्ब का प्रयोग, एज इफ के साथ मेन वर्ब का प्रयोग। तो देखिए मेन वर्ब हमेशा वी टू फॉर्म में आता है एज इफ के साथ, ठीक है पास्ट रूप में, यस देखिएगा हमेशा वी टू पास्ट रूप में आएगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं सी वॉज स्पीकिंग, वह इस प्रकार बोले थे एज इफ सी न्यू एवरीथिंग, वह इस प्रकार बोल रही थी मानो कि वह सब कुछ जानती हो। सी वॉज स्पीकिंग एज इफ सी न्यू एवरीथिंग, वह इस प्रकार बोल रही थी मानो कि वह सब कुछ जानती हो। अगला है यू रेन अवे, तुम इस प्रकार भागे एज इफ यू स्टोल समथिंग फ्रॉम हियर, तुम इस प्रकार भागे मानो कि तुमने यहां से कुछ चुराया हो। यू रेन अवे एज इफ यू स्टोल समथिंग फ्रॉम हियर, तुम इस प्रकार यहां से भागे मानो कि तुमने यहां से कुछ चुराया हो। अगला है ही ऑर्डर्ड मी एज इफ ही बिकम माई बोस, ही ऑर्डर्ड मी एज इफ ही बिकेम माई बोस, वह इस प्रकार मुझे आदेश दिया मानो कि वह मेरा बोस बन गया हो, ठीक है। अगला है ही वॉज लुकिंग एट यू एज इफ ही न्यू ऑल द सीक्रेट, वह इस प्रकार तुम पे देख रहा था मानो कि वह तुम्हारा प्रत्येक रहस्य जान रहा हो। ही वॉज लुकिंग एट यू एज इफ ही न्यू ऑल द सीक्रेट्स, वह तुम पे इस प्रकार देख रहा था मानो कि वह तुम्हारे प्रत्येक सीक्रेट को जान रहा हो, रहस्य को जान रहा हो। अगला है ही केम बैक सून एज इफ ही लेफ्ट समथिंग एट होम, वह इस प्रकार घर आया मानो कि वह घर पे कुछ छोड़ दिया हो, ठीक है। तो इस तरह बहुत सारा प्रैक्टिस कीजिए, वाक बनाइए और मुझे कमेंट में जरूर बताइए कि ये क्लास आपको कैसा लगा। आगे देखते हैं, कल मैंने आपसे एक प्रश्न किया था और मैंने बताया था कि जो व्यक्ति इसका उत्तर सही से बताएंगे उनका नाम मैं इस चैनल के माध्यम से लूंगा। क्वेश्चन था जो कलम मैंने तुम्हें दिया था वह मुझे दे दो, जो कलम मैंने तुम्हें दिया था वह मुझे दे दो। तो इसका सही से आंसर सबसे पहले बताई थी मुस्कान कुमारी ने, उसने बताया था देखिए यहां इसका आंसर हो जाएगा जो कलम मैंने तुम्हें दिया था मुझे दे दो, तो गिव मी द पेन, गिव मी द पेन हो जाएगा। और निर्जीव है तो क्या होगा विच होगा, विच आई गेव यू आंसर होगा गिव मी द पेन विच आई गेव यू, क्या बनेगा गिव मी द पेन विच आई गेव यू, ठीक है। तो यह सही आंसर कौन दी थी मुस्कान कुमारी ने, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का क्वेश्चन है आप सबके लिए, आप इसका आंसर कमेंट में जरूर बताएंगे। क्वेश्चन है तुम ऐसे बोल रहे हो मानो तुम्हें सब पता हो, तुम ऐसे बोल रहे हो मानो तुम्हें सब पता हो। तो जो पहले इसका आंसर देंगे उनका नाम मैं इस चैनल के माध्यम से लूंगा। तो चलिए आज के लिए ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।